गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्रायलोन। क्रायलोन में हम आज देखेंगे कुछ कूल एंड वॉर्म टोन के शेड्स जो कि आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हैं। उसमें आपको मैं क्लियर करूँगी कौन सा वॉर्म टोन है और कौन सा कूल टोन है। तो वो आप फिर अपने स्किन के अकॉर्डिंग, आपका जैसा भी स्किन टोन है, फेयर है, मीडियम है, डार्क है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फेयर, फेयर के लिए। तो देखिए, ये है फेयर कलर, वेरी फेयर। वेरी फेयर जो हमारा होता है उसमें वार्म टोन, वेरी फेयर में जो हमारी वार्म अंडरटोन होती है, वार्म अंडरटोन जो कि येलो, जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, येलो अंडरटोन, तो उसके लिए हमें कौन से शेड लेने हैं। तो देखिए, वेरी फेयर प्लस वार्म येलो अंडरटोन, उसके लिए हम शेड लेंगे D406 एंड वन शेड हम ले सकते हैं D1W। तो जिनकी वेरी फेयर, बहुत ज़्यादा फेयर जो होते हैं और येलो अंडरटोन होती हैं, उनके लिए हम ले सकते हैं ये दो शेड D406 एंड D1W। तो गाइस, अगर आपकी वेरी फेयर अंडर स्किन है और स्किन टोन है और येलो अंडर टोन है, तो आप ये दो शेड ले सकते हैं। इनमें कोई भी दो शेड, आप दोनों में से कोई भी शेड आप ले सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं वेरी फेयर एंड कूल अंडर टोन, वेरी फेयर एंड कूल अंडर टोन, कूल अंडर टोन जो कि हमारी पिंक अंडर टोन होती है, तो उसके लिए हम कौन से शेड लेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे, देखिए, D070 एंड D21/2। तो इनमें से जो, अगर किसी की वेरी फेयर, बहुत ज़्यादा फेयर है और पिंक अंडरटोन है, तो उसके लिए आई थिंक आपको दिख रहा होगा, विजिबल नहीं हो रहा, ओके। तो जिनकी बहुत फेयर स्किन टोन है और कूल अंडरटोन है, पिंक अंडरटोन है, तो उनके लिए हम ले सकते हैं D070 या फिर आप D21.5, ये वाला शेड आप परचेस कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं लाइट स्किन के लिए। तो देखिए गाइस, अगर लाइट स्किन टोन है, लाइट और वार्म है, तो हम लेंगे, तो हम कौन से दो शेड लेंगे। तो हम लेंगे D4W एंड लेंगे D57। इनमें से आप कोई भी शेड ले लेंगे। अगर लाइट स्किन टोन है और वार्म टोन है, वार्म अंडर टोन है, तो हम ये दो शेड में से कोई भी शेड ले लेंगे। वहीं अगर लाइट, सेम लाइट स्किन टोन है और कूल अंडर टोन है, देन हम लेंगे D6। मेरा मार्कर भी नहीं चल रहा है, बट कोई ना, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ओके। तो अगर अगर लाइट स्किन टोन है और कूल अंडर टोन है, देन हम लेंगे D6 और D7। इन दोनों में से हम कोई भी शेड परचेस कर सकते हैं, ओके। देन थर्ड है हमारा स्किन टोन मीडियम, MEDIUM, जिसको हम बोलते हैं व्हीटिश स्किन टोन। व्हीटिश स्किन टोन एंड गेहूँ कलर हम बोलते हैं। तो अगर मीडियम स्किन टोन है और वार्म अंडरटोन है, वार्म अंडरटोन है, तो हम लेंगे D64 एंड, देखिए गाइस, अगर मीडियम, ये व्हीटिश कलर है, मीडियम कलर है या व्हीटिश कलर है, और अगर वार्म अंडरटोन है, तो हम लेंगे D64 एक शेड, और अगर दूसरा शेड हम लेंगे, तो हम लेंगे D10W। तो अगर ऐसा वाला सीन है, तो आप इनमें से कोई भी दोनों कलर ले सकते हैं। अगर कोई भी आपको परफेक्ट मिसमैच नहीं, मिसमैच होते हैं कलर, अगर आपको नहीं मैच होते हैं, तो फिर आप मैच करवा कर भी अपनी, अपना कलर बना सकते हैं। बाकी ये मिलते जुलते कलर है इन स्किन टोन के अकॉर्डिंग। बाकी देखो, किसी के भी परफेक्ट फाउंडेशन बहुत कम लोगों के मैच करता है, तो हमें मिक्स एंड मैच करके ही काम करना पड़ता है। वहीं अगर मीडियम स्किन टोन है और कूल अंडरटोन है, वॉर्म के लिए हम लेंगे D64 और D10 D10W, एंड अगर कूल है,
कूल हमारी अंडरटोन है तो हम लेंगे D11, D11 और या दूसरा शेड हम लेंगे D9W। तो अगर कूल अंडरटोन है तो हम लेंगे ब्रिटिश स्किन टोन के लिए D11 एंड D9W। अभी हमारा बचा है डार्क स्किन टोन, उसके लिए हम कौन सा लेंगे हम देख लेते हैं। ओके, तो फोर्थ है हमारी डार्क मोम, यार फोर्थ है हमारी डार्क स्किन टोन, जो हमारा डार्क कलर होता है वो, और अगर अंडरटोन हमारी मोम है तो हम कौन से शेड लेंगे, जो हमारी येलो अंडरटोन है अगर डार्क के साथ में तो हम कौन सा शेड लेंगे। तो देखिए हम लेंगे D14 या फिर D17। आप इन दोनों में से, ये एक लाइट एक डार्क शेड होते हैं, तो आप इन दोनों में से जो भी आपकी स्किन टोन को मैच करेगा वो शेड आप लेंगे। अगर आपका डार्क कलर है और आपका अंडरटोन येलो है, वॉर्म है, तो आप इन दोनों में से कोई भी शेड लेंगे। फिर है हमारा कि अगर डार्क शेड है, डार्क है और कूल अंडरटोन है, ओके डार्क है प्लस कूल अंडरटोन है, तो हम कौन से शेड लेंगे। तो डार्क कलर है और कूल अंडरटोन है तो हम लेंगे D071 या फिर हम लेंगे D15। इन दोनों में से हम कोई भी शेड परचेस कर लेंगे। तो देखिए गाइज, मैंने बता दिया है कि हमें कौन से, मतलब अगर कूल टोन है, वार्म टोन है, तो हमें कौन से शेड्स लेने हैं। तो आप अपने कलर के अकॉर्डिंग, अगर आपका फेयर है, मीडियम है या डार्क है, ब्रिटिश है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग, और आपका अंडरटोन क्या है, अंडरटोन चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको अंडरटोन कैसे चेक करना है। हमें हमारी जो वेन्स है, हमारी नसें हैं, उनको देखना है वो ग्रीन कलर की है या ब्लू कलर की है, पर्पल की है या मिक्सिंग है, कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। वैसे हमारा इंडियन जो हमारी अंडरटोन होती है वो मोस्टली वॉर्म ही होती है, तो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है वॉर्म फेयर हमारा जो है, और इसमें फेयर में कूल वॉर्म अंडरटोन हमने बता दिया है, हमने हमारी लाइट स्किन टोन में भी देख लिए हैं, मीडियम में भी देख लिए हैं और डार्क में भी देख लिए हैं। तो आप अपने कलर के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।